यीशु मिरते सिद्धि होई अगन नायक करीवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन अमु कहो ही बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन जासु कृपा सदयाल द्रव सकल कली मल दहन अनिल सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सम मौर धाम सदा क्षीर सागर शयन बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज ज्ञासु बचन रवि कर निकर हरिओ 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 जब चित्त में गणेश जी का ध्यान हमेशा बैठा देबे हमेशा के लिए परमानेंट माने अस्थाई रूप से जब हमेशा पता रहे कि कुल प्रभु का लीला है इन्हें हम अलग से कुछ हो भाई तो हम पैदा न हो अंकुरण लेबे न करी ठीक तब सब काम है सिद्ध बा तब तो बस जोन सेवा बा उकरे बा सीधे धाम बीच में कोनो अड़चन प्रभु श्री राम जी के कृपा से ही गूंगा बोलने वाला हो जाता है वो समाज के लिए गूंगा रह ले वो समाज के लिए गूंगा रह ले लेकिन अब समझ में आवा था गणेश जी के बात करी धरती पर गणेश से अब क्या बात करी ये ने तो गूंगा बोलने वाला हो जाता है लंगड़ा दुर्गम पहाड़ चढ़ जाता है अब देखो कितना तगड़ा सत्य के पहाड़ बा यहाँ से उतरबे यहाँ से निष्काम भाव से जब चलत रहबे तब जाके सत्य आवता 15वें सीढ़ी पर और सरजू भाई कहता है कि अब हम जो है सत्य के नीचे तो बात ना हुई गुरु देखा लंगड़ा दुर्गम पहाड़ नहीं चढ़ा के चढ़ी ये समय तो जा सु कृपा सो दयाल जिनकी कृपा से यह कार्य हो रहा है वे है प्रभु श्री राम जी तब न चित्त से क्या कर दी वे इन होट गए तो दशरथ जी चल दे ये न और यह सब इन्हें हटा करके भी जिंदा बा तो जेकर प्रभु श्री राम जी के प्रति परम पवित्र प्रेम माने आपके शिव गुरु के आत्मा बाय ऐसे कही जाते खराब नहीं लगत ने यह ने काय कौन तो हमेशा वह जाप करता है ठीक तो जब शिव गुरु के आत्मा के अगर सम्मान नहीं दे सकले
तो उनकर आत्मा बहन उन्हीं से तू बह है, तुहरो आत्मा उन्हीं बहन है। तो हम एन बहन इच्छा रहित माया रहित मोह रहित, तो फिर अपने आप के भी हमेशा इच्छा रहित माया रहित मोह रहित हो गए। प्रयास यह रखो और यह समझो कि मात्र आत्मा ही है शरीर का स्वामी बा, दूसर कोई बाय यह न हरिश्चंद्र भाई। ठीक, तो नहीं के कृपा से गूंगा बोलने वाला और लंगड़ा दुर्गम पहाड़ चढ़ जाता, अब एक प्रत्यक्ष प्रमाणों मिल जाता, नहीं तो कोई की ताकत हो तो चढ़ के दिखावा अपने से चढ़ के दिखावा, कपट कोई छोड़ पाई। ठीक है, तो हमेशा इस बात का जो है चित्त में धारणा होना। और कहते हैं नील सरोरु श्याम, नीले तालाब की तरह श्याम वर्ण वाले वही भगवान विष्णु, तरुण अरुण बारिज नयन, तरुण माने बिल्कुल जवान, ताजा ताजा जौन, लाल कमल का पुष्प होला, तो वही दम्भी बदे, लाल काहे बदे बा, तरुण अरुण बारिज नयन के समान नेत्र वाले, करऊ सो मम उर धाम, अब सीधे मेरे हृदय में निवास कीजिए। ये न सदा क्षीर सागर शयन, हमेशा क्षीर सागर में रह ले, अब क्षीर सागर छोड़ दे, अब सीधे मेरे हृदय में निवास कीजिए। यह न अगर मनई लोग अपने हृदय में उन्हें बैठा ले तो पत्नी लोग अवश्य अपने पति के अपने हृदय में तब बैठी है न। अब पति अगर शराब पी गाजा पी तो पत्नी का गुस्सा न आई ऐसे करी। अब एमे बा की बा ये सब बड़ा बारीक व्यवस्था बा भाई, पतियों अगर ऐसा करता तो उसके पीछे कारण बा। ठीक ने, तो खैर अब यह शरीर के माध्यम से कुछ ऐसा फल बा, तो यही सब कोई का दोस्त देखे की जरूरत, सीधे प्रभु के हृदय में बैठा हुए और हर पत्नी लोग अपने पति के चरण के, और जेकर पति कोनो कारण से दूर बा वो अपने पति के चरण के नाखून के जे अस्थाई रूप से बैठा ले सो के धाम निश्चित बा। ठीक, अब जब इतना सरल भाषा में पता लगा था तो फिर क्या करे बुद्धि लगाई दे। तो देखे तीन दिन में जितना रामायण भा पिछले तीन दिन में, तो माता कौशल्या का प्रेम देख ले, श्री राम जी का सुझाव देख ले, एकरे पहले देख ले दशरथ जी का विवस्था, रामचंद्र भाई, और ओकरे पहले कैकेयी के जोन हो सिखावन, तो यह समझ में आया कि यदि बुद्धि कपट के बस में होगा तो शंकर जी और
ब्राह्मण या ब्राह्मणी कोई भी समझावे लेकिन समझे वाला नहीं बा। और कितना कठोर चरित्र माता कैकेयी के भयल कहत है कि प्राण निकल जाए लेकिन ओहू से मतलब नहीं जा। हर पत्नी के सहयोग करे चाहिए कि हमरे पति के कोनो भी अड़चन न आवे। और वो सीधे कहता है कि तू का मरवे सवेरे हम मर जाब अगर राम जंगल नहीं गए ते और तो के अपयश होई। और श्री राम जी कितने प्रेम से समझाएं कि पिताजी वो पुत्र ते सबसे बड़ा भाग्यशाली बा जे की माता पिता के बाड़ी माने जेकरे अपने पिता माता के चरण में दृढ़ अनुराग हो उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चला ओके कहीं जो है कभी भी समस्या के जगह रही बहुआ। और ओकरे गदोरी पर अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ रखा बा ये ने। लेकिन आज ऐसा पुत्र दुर्लभ बा जे की आज्ञा का पालन करके माता पिता के संतुष्ट कर दे। ओकरे बाद देखले माता कौशल्या का गांव की जो बूढ़ी सयानी नारिया हैं और कैकेयी की शुभचिंतक है ब्राह्मण की पत्नियां हैं इतना कहती है कि श्री राम जी के बिना सीता जी नहीं रह पाएंगी लक्ष्मण जी घर पे नहीं रहेंगे भरत राज सुख नहीं भोग पाएंगे और दशरथ जी प्राण नहीं रख पाए सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन तब वो कुटिल प्रबोधी कुबड़ी कुबड़ी ऐसा प्रबोध कर देगा कि सब नाश हो जाए लेकिन उन तर को हर काम देलीन नहीं। ओकरे बाद देख ले देखो ये तीन चार दिन का रामायण तुरंत जान ले माता कौशल्या के यहाँ प्रभु पहुंचत हैं तो उन बड़ा विह्वल होकर के कि सभी पुण्य का फल यह बा और वहां ध्यान दे सबकर मन भौरा बा ने कोई का मन धन पे लगा बा तो कोई का मन मेहरारून के शरीरी पे लगा बा ये ने तो कोई का मन एकदम ठगे में लगा बा। माता कौशल्या जी का पवित्र बाड़ी जब कहें कि जहां धर्म और ममता बुद्धि के घेरे वहां धर्म के साथे रहे कि चली ममता का त्याग इतनी पवित्र बाणी माता कौशल्या जी के तो उनकर बाणी बिल्कुल कल्प वृक्ष के फूल की तरह प्रभु के समझ में आया ये ने। और ओकर मकरंद रस का रहा मकरंद रस रहा राज सुख जोन भोग बा जे राजा बनी जे इतना बड़ा तो उस सुख ही बा भोग और राज लक्ष्मी बाइन वो मकरंद का मूल। लेकिन श्री राम जी के मन रूपी भौरा उधर चित के नहीं करे देखा ऐसे ही जे सेवक बा
ओके बदे जो है कि धरती धन कोनो चीज से कोनो सरोकार न हुए कि कामना रही तब कपट जो हो कि फसाई, कामना न रही तो कपट न फसाई, ठीक ने? नहीं खींच पाल। फिर ओकरे बाद में समझाए माता जी के संतोष दें, संतुष्ट माता जी भई, तब से सीता जी आ गई लगी रो है, सोचा था इन केकर भाग में बाकी के साथ मिली, इतना सोच लें कि कहीं खाली प्राण जाई कि शरीर हो जाई, ठीक न? और उसके बाद कितने प्रेम से जो है एक आदर्श पति के ऐसे ही समझावे के चाहिए जैसे काल सुन ले, ये न? और सब जो है जंगल के सारा दुख करके देखे जे बिल्कुल जो है कि पला पोसा हो एयर कंडीशन में गाड़ी में घुमा हो, तो गणेश जी लगा था कि वो जो न कि ये तपती धूप में और पेड़ के नीचे रह पाई, ये न? ते सब समझाते हुए कहें कि अगर हमारा आज्ञा मनबू घरे में रहबू तबे जो न कुशल कल्याण। और यो बात समझ में आयल कि सास ससुर के बढ़ के सेवा से बढ़ के नारी के कोनो दूसर धर्म, जेकर सास ससुर न हो वो माता पार्वती जी के सास और शिव जी के अपन ससुर मान के आराम से जो है सत्य और श्रद्धा श्रद्धा के भाव में हो जाए, ये न? उनके चरित्र के धारण कर ले। तो कल हम लोग दोहा नंबर 63 पे रहे और दोहा रहा कि सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख जो न करई सिर मानी असो पछिताई अघाई उरे अवश्य होई तहानी। यानी स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को शिक्षा को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता वह हृदय में भरपेट पछताता और उसके हित की हानि अवश्य होती, या न? तो हर पत्नी के पति ही उनके गुरु है, हर पुत्र के पिता ही उनके और हर पुत्री के माता ही उनकी गुरु है और हर मनुष्य के गुरु संत है और प्रत्येक संत के गुरु शिव जी है और ब्रह्मांड में जितने शिव जी हैं सबके गुरु श्री राम जी है, ठीक ने? तो यह जब विधिवत हो जाएगा स्थाई व्यवस्था, देखो कहाँ तनको जब हर कोई एक दूसरे का कल्याण है सोची तो सतयुग का स्थापना हुए में कितना समय लगी भाई। तो कुल बाणी जितना श्री राम जी समझाएं माता कौशल्या जी समझाई जने सब सीता जी जगत जननी सुने लेकिन उनके आंखी से आंसू रुकत और वो काल दिन भर जोन हो रात भर समझली जाने सज्जू भाई
तो अब कुछ बोला जाता ही नहीं, अब कुछ तो क्या कहता है कि सुनी मृदु बचन मनोहर पिय के आलोचन ललित भरे जल सिय के प्रियतम श्री राम जी। एक पत्नी का प्रियतम कौन होता है? उसका अपना पति। तो प्रियतम श्री राम जी के कोमल और मनोहर बाणी सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र बिल्कुल जल से भर गए, है ना? कहता न घोरे रहे दे ठीक न तो खड़ा रहे तो शीतल सिख दाहक भई कैसे अच्छा कई ही शरद चंद निसी जैसे। जब श्री राम जी इतना समझाएं काल कि घर ही रहो और घर ही रहे में ही सबकर भलाई, और जे अपने पति के बात नहीं मानत वो भर पेट पछताला, माने ओके पछतावा भर पेट। तो आज वह जो है कि अब वह अपने प्रियतम के बाणी सुन के उनके आँख में पूरा आंसू भर गया। अब जेकर परम पवित्र प्रेम बा, दृढ़ अनुराग बा जहा, तो वो अगर दूर जाई तो भाई आंसू तो हिबे करी। तो श्री राम जी कितने शीतल भाव में समझाए नहीं, लेकिन उनका शीतल सीख यानी शिक्षा उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु का चंद्रमा जलाता, ठंडी में जोन पूर्णिमा के चादबा तो चकवा लगी चंद्रमा के देखे और चकवी रात भर परेशान, चकवी की तरफ चकवा देखबो नहीं करो, पूरा रात होगा उसे ही बीतला जाने, वो खाली चंद्रमा के किरण जो है वह पावला। ते परम पवित्र बाणी जोने में परम कल्याण हो, यदि जे प्रेम से बधावा उसे कब तो वो भी जो हो आग के समान पहले महसूस बैठो। तो तुझसे सिखावा ले कि नहीं, यहाँ से सुनो ले ने ठीक। तो आप लोगन के जंगल नहीं जाए के बा, रवि गुरु के भाई ऐसा काम रहा कि उन्हें वनवास भयल। तो वनवास के होई जे राम जी जैसन बनी होके वनवास, और जे अपन वही में समझौता करके जिया था प्रपंची में ओके वनवास कहाँ हुई। तो कर्म का फल तो सबके भोगई के पड़ला, यद्यपि आज दोनों जीव नहीं रह गए शरीर में ठीक न, और पूरा शरीर है आत्म रूप में चला अलबा। तो समझे के बात ई बा कि सीता राम जी ज्यादा समय तक साथ में धरती पर नहीं रह पाते, ई बात के हृदय में धारण कर ले, काहे कि ब्रह्मा का प्रपंच हो
इस संसार में ज्यादा समय तक प्रपंची लोग ही रोले, यानी ऐसे तुमको दुख न हो के ठीक उतरु नया वे बिकल बैदेही अतजन चहत सूची स्वामी सनेही। अब जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता और वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे परम पवित्र पति, जानती हैं, समझ रही हैं, और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते, जबकि देखे कहा कोई के छोड़े बहन भाई। अब जब स्थिति आयल कि या तो भाव के सम्मान दे या तो शरीर के, तो भाव का अगर सम्मान बचाए रहबे तो शरीर का दर्शन होवे के संभावना रही, और जब शरीर के सम्मान देवे तो भाव कभी बच न पाई और वो फूल गुड़ गोबर हो जाए। तो निर्णय कोनो अनुचित नहीं भाल। ठीक न, अब रही कि आजीवन ब्रह्मचर्य ताप सात ये सब जौन चरण बन गावाय, अब यह न आधार बा और खाली परम कल्याण के कार्य शरीरी से होता, और यहाँ तक कि निजी एक इच्छा भी प्रकट करे के कोनो मनोरथ करे के अब अधिकार नहीं रहेगा। ते ई तो सब कल्पना के बहरेबान है, लेकिन यह कि एमे परमानंद बा, जे भी शरीर से जुड़ा बा जहां भी तो के तो बहुत प्रसन्न होवे चाहिए, काहे कि यह तो अंतिम लक्ष्य बा। तो देखो अब ओइठना माता कौशल्या बाई, कौशल्या जी बाई, तो वहां रोवा कैसे, तो बर बस रो की बिलोचन बारी अधरी धीर जूर अवनी कुमारी अलागी सासु पग कह कर जोरी अच्छा मबी देवी बड़ी अभिनय मोरी। अवनी माने धरती, तो धरती की पुत्री नेत्र के जल यानी आंसुओं को जबरदस्ती रोक कर सीता जी जो कि धरती माँ की पुत्री है, वे अपने नेत्रों के आंसुओं को जबरदस्ती रोक कर और हृदय में धीरज धर कर, धीरज न रही तेई चरित्र प्रश्न आई कि धीरज कितना, यो न तो कितना के मतलब जब तक सतयुग का स्थापना हो जाए उतना न तो भाई उतना उतना अगर कितना माने उतना यही खूब लीला करें की क्या करवे
सबकर मर्यादा सुरक्षित करे बता करना जरूरी बने। अरे वो तो खाली धीरज रखे बदे कौन है इधरों को कहता है कि जंगल में घूमो कहाँ घूमे तबीयत खराब हो जाएगी पहाड़े का पानी लगला अब हर जगह राम जी भैया थोड़ो बहन की जन पानी वानी लेकर के एकदम तैयार रही हैं राम खुलाउन भाई ठीक ना। हाँ वो कोई शरीर न रह पाई जौने अवस्था में शरीर रहता न ये चरित्र के जो है 5117 साल होएगा एक व्यक्ति ये अवस्था में नहीं आ पावल बा ये बाऊ अपन जाके जो ना कंदरा में मुक्ति बदे तपस्या करा था ये ने तो अपने मुक्ति लहावता है ने यहाँ देखो रवि गुरु और प्रकाश तो गए गणेशो जी गणेश जी बन गए सरजू भाई आजा कहता है कि अब सत्य के नीचे तो गुरु बातें न हुई राम जी भाई लक्ष्मण जी बने वाला बहन राम खिलावन भाई बिल्कुल जो है राम जी के स्वरूप में आवे वाला बहन जय भाई के जय होते बा रामचंद्र भाई तो पिछले दिन समझ गए हरिश्चंद्र भाई सत्यवादी हरिश्चंद्र जी बन गए दुखरन भाई के भी बात सुनता है तो दुख दूर होता है बात समझता है कि भगवान के लीला बा उन्हों के कुछ न कुछ समझ में उठता है बा नहीं तो कैसे उठते हैं यह ना दुखरन भाई तो बतावे जब इतना कल्याण होता तो फिर काहे तो मुक्तियों का छोड़ दें जोने बदे सब लगा बा ठीक न समझो बात बहुत तो हृदय में धीरज धारण करके सासू माँ का फिर पैर पकड़ती है और हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे देवी मेरी बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। कहे कि सासू के सामने पति के सामने बोला का अधिकार ठीक ना क्या कहते हैं कि हे देवी हमारे बड़े अपराध को क्षमा कीजिए। अब यहाँ पर एक सीता जी के भाव में बैठ के समझ जा कहे कि ये सीता जी के तो भाई साथ में लेवे की पड़ा लेकिन यहाँ बहुत भारी नहीं गणेश जी तो देखो ए मैं कोई के कहीं सजा थोड़ो बा सहयोगी है बा कि संसार से वज्र हो जा यानी लीला पवित्र होता पूरा धरती रसातल में बा तो मैं तो सहयोग तो ही है बा जी। तो कह रही है माता सीता जी कि दिन ही प्राण पति मोहि सिख सोई अजे ही विधि मोरे परम हित होई। कहते हमारे प्राण प्रिय माने प्राणों से बढ़कर प्रिय पति यानी स्वामी जी ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। इतना समझ रही है ना। अपुनी समुझी दिखी मन माही अपिय वियोग समय दुख जग नाही। परंतु अब देखे यहाँ परंतु देखे मेरे प्राण प्रति जो सीख दिए हैं वो मेरे लिए परम हित की ही शिक्षा दिए हैं इसमें कोई संदेह। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया
मैंने अपने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान संसार में कोई दुख नहीं है। यानी ऐसे बड़ा कोनो दुख देखो। और यहाँ 2013 से 17 होएगा है ना, और 14 साल का आशा नहीं बा, बड़ा बारीकी बात है। तो चूंकि उन मन से सोच लेन ने, और यहाँ बाकी मनवा लगा दे नाखून में, ये ने कहे कि अब गणेश जी बनता है ना, जोन होई होबे करी, और इतना बड़ा प्रमाण बा कि अपन सब जो है चिंता छोड़ के लगा दे। लेकिन यहाँ देख मन में सोच ले सीता जी कि पति के वियोग से बड़ा, वियोग माने जान ले दूरी, ऐसे बड़ा संसार में एक नारी के लिए कौनो दुख, और माता भुवनेश्वरी के इतना बड़ा मिला बा। कारण जब करोड़ों कैकेयी और करोड़ों मंथरा लग गई है, रावण लग गई है, तो बस यह बा कि विश्वास इतना तगड़ा बा कि वह जिंदा रखेबा उनका। और अब गणेश जी चाहिए तो सतयुग का स्थापना हुआ में कितना समय लगी। ते मन और बाड़ी से साथ में रहना, ठीक न, वो परमानंद दे, वो तो ये बात समझ ले आज कि पति के वियोग से बढ़ के संसार में कौनो दुख एक पत्नी के लिए। क्या अगर पत्नी बनी दे भाई, का कहे पगला गल है, बड़ा बढ़िया लगा था जो कल्याण हुआ है। बताइए कि गुरु ब्याह करा दे हैं। शांति सुमति पवित्रता कितना बढ़िया बढ़िया मेरा रू भाई ने, एक को भातो नहीं खाता है, ये समय जितना सुख देता है ये ने, ठीक देखा समझो। सीता जी के वियोग के समझो, कहे कि सीता राम जी अलग अलग नहीं बै, जैसे समुद्र का लहर और समुद्र के पानी अलग अलग बा, कहे में बा ने ये कुल शिक्षा दिया गा बा। शरीरिया दूर करे से कोई कालगे कर दे जे एक बा, यह ने लेकिन अब देखो लीला यह बा कि प्राण नाथ करुणायतन असुंदर सुखद सुजान तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु असुरपुर नरक समान। देखा ओ भाव में जाके देखा तब वे समझ में आई राम खिलावन भाई सीता जी के। देखो कह रही है हे प्राणनाथ दया के धाम, हे सुंदर सुखों को देने वाले परम सज्जन और रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान। ये ने
तब वो राम जी भाई चक्कर में पड़ा बन की जगह गुरु मौका मिलने कॉल देव की समझो आज सीता जी के वियोग के समझो ये ने नहीं वो धीरे धीरे भाई अब बुद्धि तो लौटे बा जे फसल है तो निकले बोले सोचबे करी अब गणेश जी तो ज्ञान बड़ा बढ़िया समय से मिल गया भाई गुरु अब सरजू भाई तेरे ना पछवा पीढ़ी थोड़ो देखेगे बा ठीक देखिए कितनी सही बाणी बोल रही है कि मातु पिता भगिनी प्रिय भाई अप्रिय परिवार सुहृद समुदाय सासु ससुर गुरु सजन सहाय असुत सुंदर सुशील सुखदाई जह लगी नाथ ने है अरुनाते अपिय बिनुती यही तरनी हूँ जह लगी नाथ नेह अरुनाते अपिय बिनुती यही तरनी हूँ ते ताते माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार मित्रों का समुदाय सास ससुर गुरु स्वजन माने बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र पुत्र भी कैसा हो सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र कहती है सीता जी कि हे नाथ जहां तक स्नेह और नाते हैं ठीक ने पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले होते अगर पति नहीं है जिसका उसके सभी नातेदार रिश्तेदार उसको बहुत ताड़ना देते कर रही है सुर से भी ज्यादा तपाने वाले ठीक ने समझिए क्या करें ऐसी अवस्था है तो उसने सभी मर्यादा को सुरक्षित तो इसी अवस्था में कर सकते हैं नाथ ने लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है एक पतिव्रता नारी के और समझ में आई बात कि नहीं तो भोग रोग सम भूषण भारू अजम जातना सरिसे संसारु ओ प्राण नाथ तुम बिनु जग माही अमो कहूँ सुख दे कतहूँ कछु नाही सभी भोग रोग के समान है जो भोग है बढ़िया बढ़िया वस्तुओं का वह किसके समान है रोग के समान है गहने भार के समान है गहना पहनने से लगता वजन और संसार
यम यातना यानी नरक की पीड़ा के समान है। एक आदर्श नारी के लिए नाथ इतनी बड़ी व्यवस्था होती है, ठीक ना? और कहती है कि हे प्राणनाथ, आपके बिना संसार में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है, समझे? ये बात हो गल। देखिए, ये आदर्श पतिव्रता नारी के लिए है। प्रपंची मेहरारू बदे नहीं, प्रपंची मेहरारू तो ऐसा भाई ने कि अगर कहनो एक्सीडेंट में मरू जी बे जने, तो पता लगी कि सरकार 5 लाख रुपया देता पोस्टमार्टम करावे से, तो मरा शरीरिया का पोस्टमार्टम करा देता है जने, ठीक। क्या करवे, बड़ा यहाँ लोभ के सब बस में हो गल बा संसार ने। देखिए और क्या कह रही हैं, जितना श्री राम जी समझाए हैं कि जंगल में ऐसा होता है वैसा होता है, तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वो सारे प्रश्नों का सही सही मूल्यांकन कर रही क्या कह रही हैं कि जीय बिनु देह नदी बिनु ना बारी, जीय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसी नाथ। जैसे बिना जीवात्मा के शरीर, शरीर हो उसमें जीवात्मा न हो, और बिना जल के नदी, बिना जल के, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के नारी होती, ठीक ना? शरीर वहां, प्राण यहां, अब क्या कर रहे, अब लीला होता। कहे कि रविशंकर के चरित्र में कहीं से खोट हो तब तक कुछ बात रहत, लेकिन जब कहीं खोटा नहीं बात हो गई, कहे अपवित्र करवे, तो धरती पर पहले पूरा पवित्री स्थापित हो, ये ने कितना बढ़िया लाइन है कि जीय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसी नाथ। और क्या कहती है कि नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद बिमल विधु बदनु निहारे। कहती है कि हे स्वामी, आपके साथ रहकर आपका निर्मल मुख जो शरद पूर्णिमा के समान है, उसे देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। आज के मेरा रुक कही हाँ खाए के नमली खाली मुंह देखा गो भाई कमा भाई सराबो। और जबकि स्थिति यह है, यदि पति के चरणों में प्रेम हो तो कुछ भी ना मिले तब भी मन हमेशा प्रसन्न, लेकिन पक्का तनको कच्चा। तो ऐसा माता सीता जी का जैसा मन है वैसा कहाँ के कर बा। और
और देखिए क्या क्या बता रही है। खग मृग परिजन नगरु बनु अबल कल बिमल दुकूल नाथ साथ सुर सदन सम परन साल सुख मूल। कहती हे नाथ आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। ठीक ना, कौन? पशु और पक्षी। वन ही नगर होगा, जो जंगल में जहां आप रहेंगे वही नगर होगा, और वृक्षों के छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, समझे? और पर्ण कुटी यानी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। यानी सहज के मेरे अरु लोग अगर कहीं रामायण सुनिए ना, तो कहिए सीता जी जब ऐसे रहत नहीं तो हमने कहा ना रोले, यानी लेकिन उधर जब रह के पड़ी तीन चार दिन तक कहीं से कुछ आई ना, तो कहिए ऊपर पड़े जाम चले मोरो तुरे साथ है इतना बड़ा आनंद भजन है। वो खाली सुने में तो अच्छा लगा ला, लेकिन वो पता बा कि आज का शरीर ये सब करे लायक नहीं बा। माने स्थिति इतना बा कि कोई के जिसे ये गेहूं के खेत देखत है ने, एक खेत दाना गेहूं के लेके मुंह में ऐसे नहीं डाल सकते, या चना रहल जो साग खोट के सब ले जाला, तो चना के एक है पत्ती तोड़ के मुंह में समझे तो भाई बिना ओकरे कैसे होई तो ओकरे बदे और सब देखा था नगरन की ये घास खा के मोटा हुआ है। क्या करवे काहे की नीति तो यह हो, चोरी के भाव के कहीं जगह नहीं बा। ठीक ना, कुछ भी हो चोरी का भाव तक के चित्त में जगह नहीं दे बा, करब तो दूर के बात बा। और जो वो भाव में रही कैसे दहाड़ के बोली, हाँ कोई सुन कोई सुनी तो कई महाराज सुनत तू तो हो रहा ऊपर ले। लेकिन जब करे रह तो हमने कोई कही, हाँ बल्कि वहाँ लोग आए तो वही बगलिया में चना उना पुआ रहा, तो कहे कि महाराज तनको नहीं हमने क्या मौका नहीं बा, लेकिन आप खा ले कर लेके। अरे सब इतना ले जाता तो या चार पत्ती खा ले बे या तो क्या हो जाए, त्रिफल की नहीं बा, नियम नहीं बा, और का पक्का पक्का। यहाँ तक कि एक इच्छा तक मन में लिया ही नहीं सकते, एक इच्छा ली ले वो इतना खत्म हो जाए अवस्था। ठीक ना गणेश जी, हाँ ठीक ना। और कह रहे हैं कि यहाँ सास ससुर बदे कहता है कि न अच्छा लगी न अच्छा लगी, तो बन देवी बन देव उदारा करी हही सासु ससुर समय सारा, अकुश की सलय साथरी सुहाई अप्रभु संग मांजु मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, वन देवी और वन देवता ही हमको संभारे
और कुशा तथा पत्तों की सुंदर साथरी, कुश के साथरी बन होला ना, कह रही है कि वही बिछौना, जिसे बिछौना कहले ही, प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होंगे। तो पहले कुश तो सूता के पड़ी तो समझ में आई ना, चिल्ला जाए नहीं। हाँ, यह कुल सुन के न, यह कुल सुन के बिलवन में माता भुवनेश्वरी अली हमू पेड़े तो रहो भाग्य था, सधुआ नाशे दासी भाई, ई जौन चरित्र होता है मैं दासी के जगह, अब तो जितना ताकत रहा सब लगाइन, तपस्या उपस्या कर लीन, दो तीन महीना रह के हौरेन पहुँचे ना अपन किन्नर के लाश, अल्लाह की समाधि अखंड है अपारा जने, तो 87,000 साल का तो नहीं लगा लेकिन 27 दिन तक। चरित्रवा कुल ऐसा ही होता नहीं, ऐसे पूरा विश्वास था कि सतयुग का स्थापना हो जाए मधुआ, इनमें कौन बात बा भाई, कोई से मारपीट थोड़ो करे की बा, लेकिन बात जो साफ साफ बा, बाबा जी है तो त्यागी रहो, यह न अगर भोगी बात तो योगी नहीं हो सकते है। नहीं अगर योगी बात अपन ओकर प्रमाण दे, यह न भाई जनता के खाली धन लूट के कोई बाबा जी बन जाई, ठीक। और क्या कर रही है कि कंद मूल फल अमिय आहारू, अवध सौध सत सरी से पहारू, कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, जने तो वह लिट्टी अगर चबाए रही सूखे है कही है धनी अचारो नहीं बा, और दूब खाए के पड़ी तो कही है ये ने कहा मिली, देखा तो वह बालू वाला जमीन बा, वहू पर गेहूं बो दे रहा है, कहा जगह बचा बा, कहा कंदमूल फल बोबे अपने हाथ से, ये ने लेकिन आजकल राम जी भाई ने सवेरे सवेरे नमकीन और चाय तक पहुंचा देता है जने, लेकिन अब ये भाई सब सपना है, हमेशा कहा रही ऐसे ही, हमेशा सरजू भाई ऐसे रही है 200-400 साल तक, यह बात बा। खैर कहे के तात्पर्य बा कि वो प्रेम अगर रही तो वो प्रेम में ममता बो नहीं रह, तो कह रही है कि वन के जो पहाड़ है वे अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे, जा गावे में लू चली मोली नहीं भाई, कहे में बहुत अच्छा लगा था, जने पलंग पे बैठ के कार में घूम के एयर कंडीशन में बड़ा बढ़िया लगा था, करो जने समझे के बाद बा, अब चूंकि यहाँ ये कोनो प्रवचन थोड़ो बा, लेकिन अपन ये कहत आई और क्या कर रही है कि छीनू छीनू प्रभु पद कमल बिलो की, रही हूँ मुदित दिवस जिमी को की, कह रही है कि प्रभु क्षण क्षण में
आपके चरण कमलों को देखकर, आपके चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती, रात में चकवा खड़ी चंद्रमा की ओर देखला, रात भर परेशान रहला, समझे, चकवी, लेकिन दिन में अपने पति के चरण देख देख करके उस दिन भर आनंद। तो चकवा चकवी का प्रेम तक आजकल मनई किया कहाँ बा, कहीं है गोड़ देखा से कहा वही लिया वो पैसा कमाए ने खावे में भेज दे राम जी भवा भविष्य राव दे ये ने समझे बने। लेकिन अगर इतना प्रेम रहे तो ये संभव बा नहीं। माता पार्वती शिव जी के चरण के चित्त में रख करके 5000 साल तपस्या करत है, उतना पवित्र भाव हो तब ने। आज देखा कहाँ श्रद्धा रहेगा बा, कहीं वो एक्का दुक्का कहीं कहीं ऐसे ही बा। ठीक समझ में आना, इतना प्रेम है इसलिए करें क्योंकि यह प्रेम वैसा है जैसे जल और जल का लहर। ही रामायण सुने के पहले ही समुद्र के किनारे बता दे कि वैसा प्रेम है में कपट के खटाई से ही फटे वाला नहीं। बाद में प्रकाश जी शिव जी से विनती करके धाम के चला गया, कहे कि बहुत परम पवित्र प्रेम चाहिए। अब जीव आत्मा लौटाबा ओके बदे जो कि वहां शंका के जगह बा। ठीक बा, वही आत्मा स्वरूप के जो आप लोग समझौता है ये सब बात के एकदम समझो, उतना तगड़ा प्रेम हो जितना काम करते खाली जीव के जो स्वभाव बा ओके बदले बदे करो, जे पत्नी के रूप में, बिटिया के रूप में, बिटवा के रूप में या भाई के रूप में, जे भी बा, जब आप पवित्र हो गए तो आप से जुड़ा सब परिवार पवित्र। तो जीव के स्वभाव के बदला बदे करो शरीरी से मतलब, और वो कब हुई जब परहित के रास्ते चल बे, और परहित में बिना सत्य के परहित ना ही धारण कर सकते, और सत्य के धारण करे बदे शरीर पत्नी पुत्र घर धन धरती ए छो के कोनो आशक्ति न हो। भाई नियम बाव के कर सके तो करो, अगर नहीं कर सकता तो बता दे कि नहीं हो सकता, फिर अपन अपन देखो। नहीं अगर बाय जने घरे में मालिक के जगह तो इतना हुआ कि चाहिए, अगर इतना नहीं बा तो मलकाना चलाओ कोनो जरूरत, इतना अगर न भाव हो तो कोनो आवश्यकता नहीं बा प्रधान बने के, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने का आवश्यकता नहीं बा, यहाँ कुल गुरु बन के लूट होता है भा। देखो भाव के समझे बदे। और कह रही है सीता जी कि बन दुख नाथ कहे बहु तेरे अभय विषाद परी ताप घनेरे, अप्रभु वियोग लव लेस समाना सब मिली हो ही न कृपा निधाना। देखिए कैसी है सीता जी, कह रही है कि हे नाथ आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय यानी डर विषाद और संताप को कहे हैं, परंतु हे कृपा निधान वे सब दुख डर संताप
वही विषाद वगैरह सब मिलके आपके वियोग से जो दुख होगा हमें, ठीक ना, उसके लेस मात्र के बराबर भी नहीं है। देखिए कितना बड़ा प्रेम है, माने आपके बिछुड़ने से जो मुझे दुख हो रहा होगा, वो जितने जंगल के दुख हैं, वे इस वियोग के दुख के लेस मात्र भी नहीं होंगे सब मिलकर, समझे सरजू भाई। इतना कह देती है याने? तो वस जिए जानी सुजान शिरोमणि, ले ये संग मोही छाड़िए जनी। अस जिए जानी सुजान शिरोमणि, लाइए संग मोही छाड़िए जानी। ऐसा हृदय में जानकर, देखो ऐसा हृदय में जानकर, हे सुजान शिरोमणि, माने सज्जनों में शिरोमणि, ये न आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए, ठीक ने? तो इतना ताकत हो तब ने, अब विनती बहुत करो का स्वामी, करुणा मय उर अंतरयामी। कहती है हे स्वामी, मैं और विनती क्या करूं, आप करुणा मय है, आप करुणा मय है और अंतर्यामी है, सबकी अंतरात्मा को जानने वाले, इसलिए और विनती मैं क्या, ठीक ना? देखिए प्रेम, देखिए ऐसा पत्नी कोई कबा, हाँ कभी कहो तपस्या करे चलते जंगल चलू गया था, दिमाग खराब हो, हमारा पतो बा ओके जो ना लड़का बा, भाई जो ना की लड़का हो ओके मिसअप पियाई खिलाई की जाता है जंगल, क्या मिली जंगल में ये ने? आज सुनो, लेकिन ऐसे लालसा मत बढ़ावा कि ऐसा पत्नी मिल जाए, हाई कुल जब जे मतलब कोई सुन रहे इसने, तू व्हाट्सएप से सब भेजते हुए जे कोई सुन ले तो कहीं हम कर ले लेकिन जब हकीकत हुई ना तो तपस्या करी है न तो करे दी है, सब उल्टा पुल्टा कर दी, नहीं तो कब कब सीख तो ली है बोलब, नहीं खाली वो पटावे बदे कहे कि सब ये संसार में सुख चाहता है, इनके बाद ब्याह हो गल बा, तो ब्याह हो गल बा का मतलब समझत है बाऊ 50,000 रुपया एक जो है हीरो हुंडा गाड़ी दे दे बहन, तब ना हमार बाऊ खरीद देहन, हमें जीवन भर हमें चले, और ऊपर से राजा जो है नियम निकाले बा तनको दिक्कत कर ले नहीं, एक के फोन गल नहीं कि 48 घंटा बदे अंदर राम खिलान भाई कुल हर जगह से सपोर्टर तो मिला बा, ये ने कोई रे पुरिया में पूछे रहा, अच्छा वो बात तो होगा बा, वो है कि महाराज इतना आप तारीफ कर ले, आपके कहाँ सपोर्ट कोई करता,
थी बा इतना बड़ा जो राजा कानून बनाए बा है उनके क्या डॉक्यूमेंट भी बा ओरिजिनल नहीं तो फोटो कापी बटले बा नहीं लेकिन ओन बिग नहीं कर सकती भाई डॉक्यूमेंट बा लेकिन वो बिग नहीं करता नहीं कम सपोर्ट बा जे दर्शन बदे जो है ठीक ने कहे कि कहे के तात्पर्य क्या बा कि जब परम पवित्र भाव रही तो सामने वाला इतना बेवकूफ यह ने क्या कर बे चूंकि आदर्श नीति एकदम गायब बने तो ठीक बा लेकिन हर कोई अपने अपने अंदर समझाता अंदर तो समझ रहा ते हाँ अंदर तो समझ बा ये सब समझे के एक बात बा कहे कि जीवात्मा के निकल के फिर चला जाना और उसके बाद में मुक्त आत्मा का अवस्था प्राप्त होना जेकर अनुभव जाता और वो समझ में आता कि एक साधारण मनई बदे संभव नहीं बने ये एक है अपने जौन मिलल बा जगह सच्चा पुत्र कोई बन नहीं सकता और यहाँ लक्ष्मण जी का रोल करो शंकरो जी के करो रामो जी के करो गुरुओं के करो और उसके बाद कह बाबा कि ये नलक से कहाँ कुछ हो पाए कहता देखा सजने एक कदम आए है जो लोटा देखा था ने ये लोटा माता भुवनेश्वरी के बा और का बा है तो प्रधान जी का मोबाइल बा जो ने मेरे कार्ड करता है सजे दे और ही तो जो न रामदास भाई दे बहन जेके बदलू बदलू बने और रही कुल ते लुंगी उंगी ऐसे ही बात सब बाकी जौन चरित्र बा बुद्धि बा सब आप लोगों के बा और स्थिति कहाँ तक बा अग्नि पिंडदान और कफन ये सब का भी जगह कौनो लोकाचार वेदाचार पिंडदान करना ते रही करना कौनो चीजी कहीं जगह है नहीं बा आप कर लेबे कहीं है कि मैं इनका मुक्ति है ना मुक्ति के चाहता है ना मुक्ति चाहता नहीं भक्तन के जितना कल्याण हो उनका इतना समझ में आता है गुरु मुक्ति तो पीछे पीछे लगावा नहीं बताओ कहाँ फसा फसाई बा भाई आम जीव को मुक्ति देता देता पीछे ने बात दे कहाँ से तो चरित्र एकमात्र चरित्र ऐसा बचता है जो कि यह कारक हो सकता है अब देखा समझ में आता नहीं कि परमात्मा का स्वरूप मन बुद्धि बाणी तर्क के बहरे बा क्या कोई तर्क करी देखो यह चरित्र देखो के तर्क करके समझी जब नहीं समझना तो सब क्वालिट पगलाए गए पगला कर होते हैं तो जो है कि हरिश्चंद्र भाई देखो ये उम्र में जो है कि नुआव से चल के आते हैं रामचंद्र भाई एक दिन में समझाता है गणेश भाई देखो समझाता है सब है लोग माने हाँ तो कोई बात नहीं आखिर के मनुष्य के शरीर से और का कर सकल है एकरे ऊपर एक जने कोई जने बताओ कर पूरे धरती पर कहीं नहीं महाराज जब इससे बड़ा कर्म तो नहीं कहीं नहीं होता पाकर कहीं नहीं भजन है एकदम ठीक तो कहत आइन माता सीता जी कि मैं अधिक क्या विनती करूं आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले तो देखो ब्रह्मा जी तक तो नारी के विधि हृदय के गति नहीं जान पाते हैं लेकिन श्री राम जी से कोनो चीज छुपा नहीं रहा है ये से कोई थोड़ा भी संशय में न रहे ये न सब देखो धैन जने गणेश जी
जब ऐसा ना हो जाइबे ना तहु लगबे देखे सबके, कोई भी कोनो भी शरीर हो जे मन पवित्र करी श्री राम जी उनके हृदय में बैठ जी है। हाँ कहे ना बनिए, बस सोच का तरीका बदल दे, ये ने नहीं यहाँ तो बा वांट निकलल बा परम धाम में कुल सीट बा जितना जीव चाहे उतना, ये ने जितना नारी चाहे आदि शक्ति बना सरस्वती बना नहीं पूरा बना उनके क्या तो जगह है जगह बा वहाँ कहीं का। और एक पद के आगे इंद्र ब्रह्मा शिव जी और विष्णु जी की पद भी जो न कोनो मत ने माने के नहीं बा ए पद के आगे समझे, ब्रह्मांड के अंदर बा, यहाँ ब्रह्मांड के बाहर से सारा व्यवस्था बा। और क्या कर रही है माता सीता जी देखिए कि राखी है अब राखी है अवध जो अवधि लगी रहत न जनी यही प्राण अदीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान। कहती है हे दीन बंधु हे सुंदर सुख देने वाले नाथ मर्यादा और परम पवित्र प्रेम यानी दृढ़ अनुराग के भंडार है ना। हाँ तो दृढ़ अनुराग का भंडार के होई जेकरे कि यहाँ एक क्षण भी जेकरे चित्त के छल न छू वह हो सकला बैठा ले भाजन है छल एक क्षण के लिए नहीं तो फिर वैचारिक त्रुटि के कहां अंतर बा। हम गणेश जी बनिए ना यार, आपका गणेश जी बन जाइए हैं अब ही मेरा रू लड़का का झंझट बा नहीं तो फिर ये सोच के लड़की जुटा हुआ बाबू भाई होना तनको मत दुख दे है बतावे कि ऐसा हुआ के और उसका परीक्षा लेब ना तो ऐसा माइये बाबू कहीं नहीं बहन तो लड़की कहाँ से रही संसार में कहीं ये लड़कुआ फंसा है करण भाई तो अपन लिख के दे दे नारी धर्म बिया करे बदे जब लोग आए ना कहें देखो ऐसा लड़की तो कहें आज ऐसा लड़की कहाँ बही तो कहें नहीं बहन तो हम कहा कहें तो हर बिया हो चुका तो कहें कि हो गया तो हो गल अब क्या कर रहे तो कहें वो पंडित भाई कुल जो बिगाड़े बा बिगाड़ा क्या बहन भाई बताओ कोई बिगाड़ा जाए आनंद बा जाने। अरे कोनो जरूरी थोड़ो बा सृष्टि थोड़ो रुका था इतना लड़का लड़की संसार में बहन कोई के बेटवा बिटिया के जो है कि सम्मान के साथ जो नो भाव दे दे जाने। तो कहती हैं कि आप मर्यादा और परम पवित्र प्रेम यानी दृढ़ अनुराग के भंडार हैं यदि अवधि तक अवधि माने वह है 14 साल मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। एकदम पक्का पक्का है ठीक ना। वो तो सीधा जो है एक क्या बयान ने दूठे बयान नहीं इतना प्रेम हुआ के अगर हो तो एकदम पक्का पक्का होगी आपका। और कहे ना प्रभु कि अरे रास्ते में कंकड़ पत्थर कूस काटा है
तोरे चला लायक नहीं बा जाना है ते सीता जी का कहत आई कि मोही मग चलत न होई हारी अछिनु छिनु चरण सरोज निहारी कह रही है कि क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट नहीं होगी। तो आगे इसे समझ ले कि जिन्होंने पत्नी के अपने पति के चरण में पूरा प्रेम होएगा ओकरे बदे कौनो स्थिति चित्त के व्याकुल नहीं करे वाला बा कुछ भी हो जाए। अगर पति का चरण अगर चित्त में नहीं बा तो के कितनो करबे ओके सब कमे लगी और हमेशा जो की वह नौटंकी वही बार बार छूट जाता यार क्या करबे ये कैसे कर दे ये में क्या करबे बस ना यार पंडित जी को देवे हैं कि एक दाढ़ी बार कुछ छुड़ा चाकू कुछ न चली चारों आश्रम के भरे हो गई ले ये ने तो ठीक बाब हो गया तो क्या बाब बस यही के लहा दे से और ठीक और क्या कर रही हैं एक तो कहते हैं हमें थकावट ना हुई क्षण क्षण आपके चरण कमलों को देखती रहूंगी तो मुझे थकावट नहीं होगा। सब ही भांति पिय सेवा करी हूं अमारग जनित सकल श्रम हरी हूं। इतने नहीं कह रही है कि हे प्रियतम मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी ये ने। और गणेश जी जान ले मने कि तू जहां रुकबे वहां तहार गोड़ दबाई ये ने तो जेकर चरण देखे से तुके कष्ट न होई तो उनका गोड़ कहां दुखाई दुखाई जब उनका चरण देखे से तहार तुके दर्द नहीं होता समझे के बाद बा। और आज के जाना था आज के लड़की लोग किसन होगा बहन गणेश जी कहीं है तो ही से लगे गोड़ दबो अभी आ कर बे हाँ अब वो छोड़ दे पहले जो ना कि मेरा लोग गोड़ दबाओ तो ही पता नहीं इनका तो आदत इनका जरूर अनुभव हुई किकर सरजू भाई के हाँ प्रभु देखे कितना प्रेम से कहता है लेकिन ये अनुभव जो है राम सिंह भैया के साथ ना हो गोड़ उड़ तो भाई भाई अब आप लोगों के क्या कही ज्यादा ना हुआ कहे में ठीक बात जन कहे की तो ये बा जन ऐसे ही वो एक ने भुवनेश्वर में अमेरिका जाए के पहले एक दादी आवत रही खाना बना में तो देखे कि इन बड़ा थका उका रहे पूरा लेबोरेटरी में दिन रात काम करें तो उड़िया भाषा में कही कि आ गया शादी करो कुछ ऐसा बोली कि ब्याह कर ले जने थक के आवल है इतना काम करके मेरा रही तो गोड़ दबाई तो उसे कहे कि कहीं मेरा रुआ लगल अपन गोड़ दो बहुत एक तो काम हो करे ऊपर से गोड़ बड़ी अच्छी दादी रही जो है और क्या कर बे जो है तो रहा जौन जीवन रवि गुरु के वो अलग रहा
तो कह रही है कि आप जो है कि जो रास्ते की थकावट होगी उसको मैं सेवा करके दूर करूंगी, ठीक ना? देखा थोड़ा रवा भूत रख दे, देखो और इतना नहीं, देखा सुना लेकिन मेहरारू का याद ना आवे, जने सुने और क्या कहता है कि पाय पखारी बैठी तरु छाही करी हूँ बाउ मुदित मन माही, कह रहे हैं कि आपके पैर धोकर, जने क्या करके आपका पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर अपने आंचल से हवा करूं, समझे? सपना भाई सर मेरा रू अब मिले वाला नहीं बा, बस यह है कि मन में कल्पना करके सपने नहीं खुश हो जा, जा क्या करवे, यहाँ तो प्रेम से बोलने वाली नहीं भाई, ये ना राम सिंह भाई, ठीक। और श्रम कन सहित अश्याम तनु देखे कह दुख समऊ प्राणपति पेखे, पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा, कहाँ से दुख आई जब हमेशा चित्त में उनका दर्शन होत रही, तो यदि चित्त में दर्शन पति के चरण का हमेशा होता रहे तो दुख कभी दुख के लिए जगह, अगर कोई नारी कहती है जिसका पति दूर हो किसी कारण से कि मुझे दुख है, तो निश्चित है कि वो अपने पति के चरण को अपने चित्त में नहीं रखी, अगर पति का चरण अगर चित्त में है तो दुख के लिए जगह वहां हो नहीं सकता, यह बिल्कुल प्रमाणित बात, ठीक ना? कोई भी तो सम महित्री ने तरु पल्लव दासी अपाय पलोटी ही सब निशी दासी, कह रही है कि समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपका चरण दबाएगी, ठीक ना? बताबे इतना तो कहत आई और ऐसा करत भी रही आगे जब चलिए, ये नहीं बात खाली कहत आई, तो क्या कर रही अपने आप को, यह दासी, यह दासी और आज का होगा भाई मलकिन, मलकिन ये ने हरिचंदा तो कहले मलकिन नहीं कहते, चल ठीक बा, हो हो कहल है ठीक, खाना मिली कि न मिली ना कुछ पता नहीं, एन तो अपन ऐसे ही पेड़े तो रहता है बुआ, ठीक। तो क्या कर रही है कि मैं रात भर आपके चरण दबावेगी, अब बार बार मृदु मूर्ति जोही लागी ही तात बयारी न मोही, और कहती है कि आप कर रहे हैं कि मुझे जो है वो
लुहार लग जाए, बयार माने वह लुहार माने गरम हवा। कहती है कि प्रभु बार बार आपकी कोमल मूर्ति यानी मुख को देखकर मुझे गरम हवा भी नहीं लगे। इतना बड़ा पति का प्रभाव होता है नाथ, और नारी का इतना ही कार्य है कि मात्र पति के चरण को अपने हृदय में बसा ले, बस इससे ज्यादा उसे कुछ भी करने की आवश्यकता। यदि पति नहीं है तो पति का चरण नख नाखून, ठीक ना। और प्रभु बोले ना कि वहां इतना राक्षस है, शेर बाघ भालू सब है ना। देखिए क्या कर रही हैं सीता जी, कि कौ प्रभु संग मोहि चितव निहारा, असिंह बधु ही जिमी ससक सियारा। कहते हैं कि प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई देख नहीं सकता। जैसे शेर की स्त्री सिंघनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, हाँ तो अपने पति पर इतना बड़ा गर्व होना, ठीक ने। और कहती है कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु, तुम ही उचित तप मो कहूं भोगु। कहती है कि आप मुझे सुकुमारी कर रहे हैं और आप हे नाथ बन के योग्य हैं, ये कैसे? आप भी तो सुकुमार हैं ना, तो आप मुझे सुकुमारी कर रहे हैं और आप बन के योग्य हैं, आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग, ये कैसे नाथ? अगर आपके लिए तपस्या उचित है तो यह शरीर तपस्या में ही रहेगा, ठीक ना। और इतने नहीं, ऐसे उबचन कठोर सुनी अजौन हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही ही पावर प्राण। इतना कोमल बाणी में श्री राम जी समझाएं जने, और कह रही हैं क्या कि ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु मालूम होता है कि ये पामर माने पशु, ये पशु का प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहे, समझ रहे हैं? तो वश कही, समझ ले कि नहीं? माने पति से वियोग हो तो पत्नी का शरीर छूट जाता है ना, लेकिन जब वो परम पवित्र प्रेम हो तब ने जेके ममता मोह तनिषा अगर पकड़े बा तो ओकर न हुई, वो तो अपन ममता के बढ़ावा बदे बस और जुगाड़ जो नाच के देखोता है चरित। तो वश कही सिय बिकल भई भारी, अब बचन बियो गुण सकी संभारी। ऐसा कह करके सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई,
वे बचन के वियोग को भी नहीं संभाल सकी। बचन के खाली कहन ने कि तू एठना रहो, वहू के संभाल नहीं पाई, जने झरझरा के रोवा लगी भाई। तो देखी दशा रघुपति जी जाना, हठी राखे नहीं राखी ही प्राणा। यानी शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, अभी तो उठना बहन, बाणी से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। और उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने हृदय में जान लिए कि हट पूर्वक इन्हें यहां रखने से ये प्राणों को न बचा पाए, समझे ना, इतनी बड़ी व्यवस्था है। क्या करवे ऐसा परम पवित्र प्रेम का प्रमाण हो तो भाई क्या करवे, अब प्राण रखी न पई है तो ऐसने में छोड़वे। तो क्या कहता है प्रभु श्री राम जी, हरिओ कि कहे उ कृपाल अभानुकूल नाथ परिहरी सोचु चलहु बन साथा परिहरी सोचु। जब समझ गए कि प्राण अपन न रख पाई है तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी कहे कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। ये ने कोई मरवे जात रहे जब हिमालय ने तो वह जो गणेश जी आले हैं वो कहें कि फोन पर कि प्राण न बची, स्थिति बहुत बिगड़ गा बा। गणेश जी चिंता मत करो, इतना ताकत दे भाई प्राण बच जाएगी। कहे कि अब जब वो चरित्र में अवत है तो पक्का पक्का हुआ चाहिए ने कि जवन जीव शरीर में प्रकाश के जीव बिठा के गाल ओके कलंक लगा देवे। तो ठीक बाप यह बा तो फिर ही चौपाई सुना कि जब ये स्थिति भागी प्राण न रख पाई है तो कहे उ कृपाल अभानुकूल नाथ परिहरी सोचु चलहु बन साथ परिहरी सोचु नहीं विषाद करे अवसरु आजू अबेगी करहु बन गवन समाजू। तब कहते हैं प्रभु कि आज दुख करने का अवसर नहीं है और तुरंत वन गमन की तैयारी करो। यह बा हाथ पकड़े हैं तो निभावो, जने गणेश जी तो कही है कि तू कहना निभाई ले, सीधे लोग यहाँ पूछिए नहीं तो निभाते बहन ने अलौकिक दिव्य प्रेम के रास्ते नहीं।
देखो आप लोग तो मतलब है, कहा कोई का मर्यादा भंग करता है। पूरे धरती का धन, स्वर्ग का धन, कहीं का धन आ जाए, लेकिन अभी कहीं जो है कौनो जगह है ना इबा भाई, नियम नीति बने तो कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, अलगे मातु पद आशीष पाई, लगे मातु पद कह दे कि अब सोच छोड़ा तैयारी करो आपका, अब कहाँ बात बचा, तो उनका रास रूक गोल रुकी का हुई दे अगर जे जो थोड़ा बजे रोवा था मिल जाए तो ना। उसके बाद श्री रामचंद्र जी प्रिय बाणी कह के प्रियतमा सीता जी को समझाए, है ना। तो भाई जब कोई के समझावे के हो तो प्रिय बाणी ही कहे के यही से कभी ये शरीर का पूरा रिकॉर्ड बा, यदि केन कभी कोई के दबाव नहीं दिए, रास्ता सबके सही सही बताए, लेकिन सत मार्ग पर लोग नहीं चल सके। कलयुग का बहाव तगड़ा बने ठीक। फिर उसके बाद माता कौशल्या जी का चरण छूकर उनसे आशीर्वाद पाते, और बेगी प्रजा दुख मेटब आई, अजननी निठुर बिसरी जनी जाई। कहते हैं अच्छा माता जी कहती हैं जब आशीर्वाद देती हैं, कहती हैं बेटा जल्दी लौट करके प्रजा के दुख को मिटाना, और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए, यानी अपने आप को करे कि मैं निष्ठुर हूँ। निष्ठुर मतलब समझत है, निष्ठुर लड़का बन जा रहा है लेकिन रोक नहीं पा रही, इतना पवित्र होने के बाद भी अपने आप को निष्ठुर कह रही हैं माता कौशल्या जी, यानी तो फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखी हूँ नयने मनोहर जोरी, असुदिन सुघरी तात कब होई, अजननी जियत बदन विधु जोई। माता कौशल्या जी इतना कहती है कि हे विधाता क्या मेरी दशा भी फिर लौट पलटेगी, स्थिति बहुत बिगड़ गई है, क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी। 14 साल बड़ा लंबा समय बने। और कहती है हे पुत्र वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी, जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। तो कब हुई का हुआ, 14 साल बाद हुई है उसका, और इनकर कब हुई पता नहीं, इसका सतयुग में हुई, देखा था ना, ये सब बतावो थे बड़ा आनंद का व्यवस्था बा ठीक। तो बहुरी बच्छ कही लालू कही, रघुपति रघुबर तार कब ही बोलाई लगाई ही,
हरसी निरख हरसी निरखी होऊंगा हे पुत्र हे तात बच्च कहकर लाल कहकर रघुपति कहकर रघुवर कहकर इतना ठीक ने मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी। अब जब जंगल चला दिए तो कैसे बुलाइए ठीक ने कल्याण हो भाई कल्याण है लेते जा ये ने कल्याण कल्याण एकदम ना तुलसी जी की तरह पवित्र और अंगूर की तरह मन एकदम प्रफुल्लित देखा जेबा में रख ले मेरा रूल किया हो बदे समझ में आवाला हरिचंद भाई ठीक है लेकिन अच्छा भाई वो आनंद वाला बात है हाँ ठीक तो देखिए ये सब प्रेम कहाँ देखने को मिलेगा नाथ। अब वह सतयुग का जब स्थापना हुई तो लोग धीरे धीरे समझिए तब पर कोशिश करिए ये न तो लखी सने हैं कातरी लखी सने हैं कातरी महतारी अब बचन नया व बिकल भई भारी ऐसा कह करके रोने लगी ने? और यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन भी नहीं निकल रहा यानी तो राम राम प्रबोधु किन्ह विधि नाना असमऊ स्नेहु न जाई बखाना। तो माता कौशल्या जी को श्री राम जी अनेक विनम्र वाणी बोलकर बहुत प्रकार से उनको संतोष देते और उस समय के प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि हर जगह दृढ़ अनुराग है ने कहां से वर्णन हुई। तब जानकी सासु पग लागी असुनिय माय मय परमय भागी। तब सीता जी सासु माँ कौशल्या जी का चरण छूती हैं और कहती हैं कि माँ मैं बहुत ही बड़ी अभागिनी क्यों कि सेवा समय दय बनु दीन्हा अमोरे मनोरथ सफल न कीन्हा। क्यों अभागनी हूँ क्योंकि आपकी सेवा करने के समय विधाता ने मुझे वनवास दे दिया समय था आपके सेवा करने का दुखरन भाई आज का बहु एक को कहिए रोटी प्रेम से दे दे उतना बहुत बा और कहती है कि मेरा मनोरथ सफल नहीं किए नहीं रहती आपकी सेवा करती यही ने क्या कर बे देखो यह व्यवस्था बा। तो तजब छो भुजनी छाड़ी छोहू
कर मुकठिन कछु दो सुन मोहु। और कहती है कि हे माँ, क्षोभ का त्याग कर दे, माने आपका मन मस्तिष्क उथल पुथल अब नहीं होना, त्याग कर दे, परंतु कृपा न छोड़िएगा, कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, नहीं कर्म की गति कठिन है, और मुझे भी कुछ दोष नहीं है, क्या कर सकते। अब पति को वनवास हुआ है तो साथ निभाना ही होगा, यही मेरा पतिव्रत धर्म है, यह न, इसलिए दोष आज ये अवस्था आई, जीव को जगह दिया गया तो उनकी मर्यादा को सुरक्षित करना एक यही कर्म की गति है। तो कर्म की गति बहुत कठिन होती है, इसमें जो भी साथी हो उसको जिस अवस्था में जैसा सहयोग देना चाहिए वैसा करना, यही से भवा क्या करवे, मिलना बिछुड़ना ये सब के बाहर, ये न मन बाड़ी से पवित्र होकर के साथ दे, ये न गणेश जी। तो सुनिसी ये बचन सासु अकुलानी, दशा कवनी विधि कहो बखानी। सीता जी की यह वाणी सुनकर सासु माँ यानी माता कौशल्या जी व्याकुल हो गई। हैं, जब ऐसे कहे कि माई में हमार कौन दोष बा, बड़ा मार्मिक बा, वो भाव नहीं लिया बताए, कहें कि अब सती के वो शंका हो गल कि जब ब्रह्म का अवतार बहन तो कहे रोवता है नारी के वियोग में, तो जब ब्रह्म लीला करबे तो ओकरे ऊपर के शरीर देखीबे, तो में आंसू के जगह नहीं बा, ये ने। लेकिन आप लोग समझत होगे अंदर से, जे परिवार में बा उनकी जो नो, और उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कह के कहूं, यही ना था, ऐसा ही प्रेम होना चाहिए जो कि गणेश जी से अब शुरुआत हुई। सब प्रेम हो तो इतना पक्का हो, नहीं तो ना हो, यह ने। तो बार ही बार लाई उरलीनी, अधरी धीर जु सीख आशीष दीनी। माता कौशल्या जी बार बार सीता जी को हृदय से लगा ले रही है, और धीरज धर कर, देखो धीरज कितना अलग व्यवस्था बा, अगर धीरज न रही तो हर जगह आदमी विकल हो जाएगा, और धीरज धर के अच्छी शिक्षा दे रही है और आशीर्वाद दे रही। जौन आशीर्वाद माता कौशल्या जी देवे जाते हैं, आजकल के पंडित जी इतने विपत्ति पड़ा है तभी आशीर्वाद माता कौशल्या जी दे हैं, लेकिन आज के पंडित जी लोग इतना सुख कम स्थिति रही जब शादी कर रही हैं तब वो यह आशीर्वाद जौनों दे लें। का आशीर्वाद देते हैं माता जी, किया चल हो वही वात तुम्हारा, अजब लगी गंग जमुने जल धारा। कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल, ठीक न। अचल का मतलब क्या बा, विश्वास, शरीरिया थोड़ो अचल रही, यह न। हाँ, तो हर पति को
अपने पत्नी के प्रति पूर्ण वफादार होना चाहिए। चित्त में श्रद्धा और सम्मान के अलावा किसी भाव का जगह न रहे, ठीक ना? ये सब तो सीत ही सासु अशीष सीख अदिन ही अनेक प्रकार अचली नाई पद पदुम सिरु अतिहित बार ही बार। इस आशीर्वाद के अलावा सीता जी को सासू माँ ने यानी माता कौशल्या जी ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी, है ना? जो पतिव्रत धर्म की शिक्षाएं हैं, देखिए माता जी, माता सुनैना जी देती हैं, सखियां देती हैं, पिताजी देते हैं, जनक जी, यहाँ कौशल्या जी, नारी धर्म का एकदम हर जगह से आज कहीं रहा नहीं। तो अनेक प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली जाती। कहा नहीं तैयारी करे और का है ना? अब वही देखो लगातार परसों जो है कि निकल पी है, कहे कि अब एक आगे जो है और काल तनको जो है देरी मत करे, जाने कहे कि एक आगे अब लक्ष्मण जी के समाचार मिली, जाने तो वो भाव के समझे बदे और अब उन्हें अब उनका प्रसंग चली काल, ठीक ने? तो आज इसी बाणी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और रामचंद्र भाई की पत्नी माता सीता जी की जय। उन्हीं के जय होता है ने। पवन सुत हनुमान की जय। गणेश भाई सहित सभी भक्तों की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।